मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के, जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक किसान परिवार के आंगन में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आने वाले वर्षों में हिंदी साहित्य और राष्ट्रवाद की धारा को अमर कर दिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर जी थे। उनकी आंखों में बचपन से ही जिजीविषा की चमक थी और दिल में बगावत की आग। संघर्षों के बीच पला बढ़ा यह बालक हर दिन पैदल चलकर गंगा के उस पार अपने स्कूल जाता था। कदम दर कदम धूल भरे रास्तों और गंगा की लहरों के साथ उसकी यात्रा सिर्फ शिक्षा की नहीं बल्कि एक कवि के आत्मबोध की थी। 1928 में जब उनका पहला काव्य संग्रह बारदोली विजय प्रकाशित हुआ तो यह महज कविताओं का एक संग्रह नहीं था, यह एक क्रांति का शंखनाद था। ओज, विद्रोह, आक्रोश और श्रृंगार की कोमल भावनाओं का यह संगम दिनकर को साहित्य के आकाश में एक ध्रुव तारा बना गया। दिनकर की कविताएं केवल शब्द नहीं है, वे क्रांति की ललकार है, विद्रोह का स्वर है और संघर्ष की आग है। उनकी रचनाओं में वह आक्रोश झलकता है जो समय के पटल पर नई राहें खोजने का हौसला देता है। पंडित नेहरू को दिनकर ने हमेशा लोकदेव के रूप में सम्मानित किया, लेकिन 1962 के चीन युद्ध के बाद भारतीय स्वाभिमान पर लगी गहरी चोट को वे भुला नहीं पाए। उस दर्द ने उनकी कलम में आग भर दी। संसद के मंच से जब दिनकर ने अपनी कविता का पाठ किया तो शब्दों की यह चिंगारी इतनी तीव्र थी कि स्वयं पंडित नेहरू का सिर झुक गया। उनकी पंक्तियां जैसे सीधे आत्मा पर प्रहार करती थीं। देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। रामधारी सिंह दिनकर केवल ओज, शौर्य और सहजता के कवि नहीं थे बल्कि प्रेम और सौंदर्य के भी समर्पित साधक थे। उनकी चेतना जहां परिस्थितियों के कठोर दबाव से जूझती रही, वहीं उनका अवचेतन प्रेम और सौंदर्य की गहराइयों में डूबा रहा। उनके काव्य का यह रूमानी पक्ष उर्वशी में अपनी चरम अभिव्यक्ति पाता है। उर्वशी केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि एक ऐसी रचना है जिसमें काम जैसे मानवीय भाव को स्वीकार कर उसे आध्यात्मिक गरिमा तक उठाने का साहस है। इस काव्य में दिनकर ने प्रेम को सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि आत्मा का उद्गार बना दिया। वे अर्ध नारीश्वर की अवधारणा को समझाते हुए कहते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अधूरा है और जिस नारी में पुरुषत्व नहीं वह भी अपूर्ण है। दिनकर के काव्य में पुरुष की हुंकार के साथ स्त्री का कोमल प्रेम भी उतनी ही गहराई से प्रभावित होता है। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, अधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर स्पंदन चलाता हूं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रश्मि रथी के ये पंक्तियां कठिन समय में एक हारे हुए निराश व्यक्ति को हौसला देती हैं। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित ऐसा काव्य संग्रह है जो महाभारत युद्ध का वर्णन करता है। इनके द्वारा लिखित रश्मि रथी एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जो युवाओं की चेतना को जगाने का सफल प्रयास करता है।